हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। सीबीआई ने रियान इंटरनेशनल स्कूल के 7 वर्षीय मासूम छात्र प्रद्युमन ठाकुर की हत्या के आरोप में उसी स्कूल के एक 16 साल के छात्र को गिरफ्तार किया है। सीबीआई को आरोपी छात्र पर पहले सप्ताह से ही शक हो गया था, लेकिन आरोपी छात्र किसी बड़े बीजेपी नेता का बेटा बताया जा रहा है, इसलिए स्कूल की मालकिन ग्रेस पिंटो, जो की खुद बीजेपी से जुड़ी है, नए उस आरोपी छात्र को बचाने के लिए बस के कंडक्टर को मोहरा बनाया। सूत्रों के मुताबिक बस कंडक्टर को प्रद्युमन की हत्या का आरोप अपने ऊपर लेने के लिए एक मोटी रकम दी गई है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मामले की जांच के शुरुआत में ही सीबीआई को कक्षा 11 के छात्र पर शक हो गया था। सूत्रों ने यह भी बताया कि सितम्बर के आखिरी हफ्ते में छात्र के घर की तलाशी भी ली गई थी। तलाशी के दौरान मिले कुछ सामानों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। सीबीआई ने इस मामले में एक और व्यक्ति के शामिल होने का संदेह जताया है। गुरुग्राम पुलिस ने प्रद्युम्न की हत्या वाली जगह से एक चाकू बरामद किया था। सीबीआई के मुताबिक इसी चाकू से प्रद्युम्न का गला रेता गया था। हत्या के बाद सबसे पहले आरोपी छात्र ने ही अपने पीटी टीचर और स्कूल के माली को बताया था कि वॉशरूम में एक छात्र के गले से खून बह रहा है। सीबीआई का कहना है कि आरोपी छात्र के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। सीबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक आरोपी छात्र ने पेरेंट्स टीचर मीट को टलवाने के इरादे से इस हत्या को अंजाम दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी छात्र पढ़ने में अच्छा नहीं है और उसे परीक्षा का डर था। गौरतलब माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।